हेलो एवरीवन, टुडे आई एम विद यू एट योर चैनल शॉर्ट वर्ड। तो जिन क्वेश्चन को देखे आप होते थे परेशान हैरान, अब वो हो जाएंगे और भी ज्यादा आसान। हाँ जी, आज मैं हम आपके लिए वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी और फास्ट हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे वीडियो। आज हम देखेंगे क्यूब रूट। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है उसका क्यूब। 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8। तो ये है हमारे पास क्यूब ऑफ 2, 8। सेम 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64। क्लियर? तो किसी भी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें उसका क्यूब मिलेगा। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। उसके लिए हमें पहले 1 to 10 क्यूब देख लेते हैं। 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 3 43, 8 5 12, 9 cube is 729, and 10 cube is 1000. 1 to 10 क्यूब आप याद कर लीजिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने में हेल्प करेगा। तो आगे हम देखते हैं क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 4096। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है हम उसे चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो हम 1 लिखेंगे, 2 है तो हम 8 लिखेंगे, 8 है तो 2, 3, 7, 7 है तो 3। बाकी इन सब को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स है उनका जो लास्ट डिजिट होगा हम उसे सेम कॉपी कर लेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं 4096 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। 4096, आप लास्ट के जो 3 डिजिट है उनका ग्रुप करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट उनकी ग्रुपिंग करेंगे 096। सिर्फ हम लास्ट डिजिट को देखेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे 6 है तो हम इसको लिखेंगे 6। और जो उसके बाद बचा 4 को देखेंगे, 4 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 4 हमारा लाई करता है 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8। 1 और 8 के बीच में 4 लाई करता है। 1 को हम लिखेंगे 10, 2 को लिखिए 20। 10 और 20 में 6 कहां पर आएगा, 16। तो 4096 का क्यूब रूट हमें मिला 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के 3 नंबर, 3 डिजिट जो है उनकी पेयरिंग, लास्ट का नंबर हमारा लास्ट डिजिट जो है 9, तो हम इसे लिखेंगे 9। अब 24 को देखिए, 24 कहां पर लाई करता है, 24 लाई करेगा 8 27 के बीच में। 8 क्यूब है 2 का, 27 क्यूब है 3 का, तो 2 को लिखिए आप 20, 3 को लिखिए 30। तो 20 और 30 में 9 कहां पर आएगा, 29। तो आपके पास है 24389 का क्यूब रूट, दैट इज 29। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है 250047। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट डिजिट देखिए 7, तो 7 है तो हम लिखेंगे 3। क्लियर? उसके बाद आता है 250। 250 किसके बीच में आएगा,
250 लाइक करेगा 216-343 के बीच में, 216 एंड 340, 216 क्यूब है आपका 6 का, 340 क्यूब है आपका 7 का, 6 को आप लिखिए 60, 7 को 70, 60 एंड 70 में 3 कहाँ पर लाइक करेगा, 63, क्लियर। तो 250047 का क्यूब रूट हमें मिला 63, थैंक यू। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर अब आप दे सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके दिखाएंगे आप, इनका आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में और आपका टाइम शुरू होता है। आपने देखा हमने अभी क्यूब रूट निकाले, तो इसका आंसर आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। 551368 हमारे पास है लास्ट के डिजिट की पेयरिंग, लास्ट डिजिट हमारे पास 8 है, तो आप लिखोगे इसका 2। 551, 551 कहाँ पे लाई करेगा, 551, 512 एंड 729 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 512 क्यूब है आपका 8 का, 729 आपका क्यूब है 9 का, तो इसे लिखिए 80, इसे लिखिए 90, 80 एंड 90 में 2 आएगा कहाँ पर, 82। तो ये है हमारा आंसर, 551368 का क्यूब रूट आपके पास है 82। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये कुछ आपके क्वेश्चन है, प्लीज इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और घंटा बजाना तब बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय।